कोटा में रेन कोटा जलाशय निर्माण कार्य शुरू होने से विधानसभा क्षेत्र के जननायक महेश्वर के राजेंद्र प्रसाद शुक्ला का सपना साकार होने लगा था। यहाँ रेन कोटा जलाशय निर्माण कार्य मूर्त रूप लेने के चलते जलाशय निर्माण का कार्य पूरा होने की संभावना से किसानों के चेहरों पर खुशी का माहौल था, लेकिन अब किसानों की मुस्कान चिंता में तब्दील हो गई है और ऐसे में राजस्व विभाग और जल संसाधन संभाग विभाग की जो लापरवाही है शासन और ग्रामीण दोनों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। 11 साल पहले तय की गई मुआवजा राशि समय पर उसका भुगतान नहीं किए जाने और वही अब वर्तमान दर से किसानों को भुगतान किया जाएगा, जिसके चलते शासन को अतिरिक्त भार का बोझ उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि जलाशय किसानों के लिए अब महज छलावा साबित हो रहा है, जिससे लोगों में खासा आक्रोश है। कोटा बांध जलाशय योजना से बना है बांध, और जो बांध पूरा हो चुका है और इसमें नहर भी पूरा बता रहा है, लेकिन नहर जो नमूना बस बना है इसमें, नहर जो है अभी तक हमारे आसपास के गांव में पानी नहीं जा रहा है। नहर मरिया दादर है, पचरा है, नवा गांव है, तेंदु भाटा है, पानी का सुविधा नहीं मिल पा रहा है। बांध जो है पूर्ण बता रहे हैं, जो हम लोग कागज निकलवाए हैं जिला पंचायत से, वहाँ तक जाने के लिए पहले तक कोई नहर ही नहीं दिखा है, तो पानी की कैसे आवाज जाएगा? नहर आपको मैं दिखा देता हूँ, चलिए जो तो हमने भी आपको दिखाया है, चलिए मैं आपको भी स्पॉट दिखा देता हूँ। ग्रामीण कहना जो है मैं आपको नहर नहर दिखा देता हूँ। ग्रामीण इसलिए मैंने काम कराया जो नहर बंदी जो मैं सेंशन नहीं होने का के अंतर्गत उस नहर में काम कराया, आपको दिखा सकता हूँ। मतलब इस तरह से मजा आ रहा है लोगों को, महिला से पानी की सुविधा मिलेगा, मेरा प्रयास पूरा रहेगा।